कानपुर विकलांग एसोसिएशन ने रविवार को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया में मतदान जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया। उसके बाद मतदाता जागरूकता महारैली निकालकर आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया। वहीं एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार ने मतदाता जागरूकता गोष्ठी में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपने मत का प्रयोग जरूर करे, जिससे एक अच्छी सरकार चुनकर आ सके। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों के प्रति अपनी उदारता का परिचय दिया है और इनका 100% मतदान कराने के लिए तमाम सुविधाएं बूथ लेवल पर उपलब्ध कराई हैं। और हमारे प्यारे दिव्यांग भाई बंधु और मीडिया के छायाकार और पत्रकार बंधुओं, आज जो है हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को लेकर कि आने वाले चुनाव में जो 13 मई को यहाँ पे मतदान होगा, तो उस दिन जो है अधिक से अधिक लोग बूथों पे पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं, विभिन्न जो वर्ग हैं सभी तरह के, चाहे छात्र हों, छात्राएं हों, अभिभावक हों, शिक्षक हों, देखिए आज यहाँ शास्त्री नगर के सेंट्रल पार्क में जो है दिव्यांगजनों का एक मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो है जिला दिव्यांगजन अधिकारी और जो है वीरेंद्र जी जो है इसको ऑर्गेनाइज किए हैं और यहाँ पे काफ़ी संख्या में दिव्यांगजन आए हैं और यहाँ पे मतदाता जागरूकता को लेकर के कार्यक्रम हुआ है और सभी दिव्यांगजनों ने एक संकल्प लिया है कि जो है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और अपने गांव मोहल्ले क्षेत्र में सबको जो प्रेरित करेंगे। इनको बताया भी गया है कि जो है निर्वाचन आयोग जो है बूथों पे क्या क्या सुविधाएं दे रही है, कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए सक्षम ECI ऐप है, उस पर वो डाउनलोड करके अपने बूथ के बारे में जान सकते हैं। जो बड़े ऐसे बूथ जहाँ पर ज़्यादा दिव्यांग वोटर्स हैं वहाँ पर इसकी क्या बोलते हैं व्हील चेयर की व्यवस्था और जो है दिव्यांग मित्र की व्यवस्था रहेगी। तो सारी चीज़ें जो है लोगों को बताई भी गई हैं और इन लोगों से कहा गया है कि सबको ये लोग प्रेरित करें तो इस बार मतदान प्रतिशत जो है निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसी के लिए करेंगे, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे दिव्यांग? देखिए दिव्यांगजन जो है जब कोई काम करते हैं तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, तो जब ये खुद घरों से निकलेंगे वोट के लिए जाएंगे तो जब लोग देखेंगे गांव मोहल्ले के तो खुद वो लोग भी प्रेरित होंगे। तो इसलिए कहा गया कि ये लोग खुद भी मतदान करें और आसपास के लोगों को भी जो है वो प्रेरित करें और बूथों पे लोगों को पहुंचाएं। तो इस तरह का ये बातचीत हुई है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा है। गोष्ठी के बाद ADM सिटी ने जागरूकता महारैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली द्वारा शास्त्री नगर एवं विजयनगर की गलियों में घूम घूम कर दिव्यांगजनों ने आम जनता से मतदान करने की अपील की है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम ने कहा कि हम सबको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 100% मतदान करना चाहिए और अपने परिवार पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। और विकलांग आपका स्वागत करना चाहिए और जिला अध्यक्ष राहुल कुमार जी से चाहूंगा जिला दिव्यांग सशक्तिकरणकारी महोदय का मुख्य देकर स्वागत करें। मतदान सुगम में बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों में कुछ वॉलेंटियर्स भी लगाए जाएंगे, NCC स्काउट गाइड वगैरह, हर मतदान केंद्र में 2-2 वॉलेंटियर्स लगेंगे। अगर आपको मतदान केंद्र में
पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा या कोई और मदद चाहिए तो ये ऐसे जानकारी कर सकते हैं। इस तरीके से जो सक्षम ऐप है वो एक ऐसा ऐप है जिसमें हमारे दिव्यांग भाइयों का निराकरण हो सके। तो आप सभी से अनुरोध है, लोगों को चुनाव आयोग दे रहा है पोस्टल बैलेट के माध्यम से, किसी भी प्रकार की असुविधा है तो वो अपने बीएलओ से पोस्टल बैलेट का डिमांड कर ले, आपका वोट आपके। जो भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं अभी। वहीं इस अवसर पर विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि संविधान में वोट का अधिकार हमको दिया गया है, उनकी मूल भावना के अनुसार हम सबको मतदान करना चाहिए और स्वच्छ सरकार के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। जब तक हम अपना और अपने लोगों का मतदान नहीं कराएंगे तब तक अच्छी सरकार का चुनाव नहीं हो सकता है। अगर हम अपना मतदान नहीं करते हैं तो अगले 5 साल तक हमें किसी पर उंगली उठाने का अधिकार भी नहीं है। रैली का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। ये मतदाता जागरूकता रैली है और विकलांग एसोसिएशन ने जो है मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया है। इसमें अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर और जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी कानपुर नगर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने जो मतदाता की समस्याएं हैं उनके बारे में भी उन्होंने अवगत कराया है और उसका समाधान भी बताया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब दिव्यांग मतदान कर सकता है तो दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते, ये संदेश देने का प्रयास किया गया। ये रैली कहाँ से कहाँ तक? शास्त्री नगर विजयनगर की गली गली घूमे। कितनी जनसंख्या होगी आज? आज लगभग 100-150 लोग हैं। विकलांग साथियों के लिए क्या सुविधा गया है? नहीं, विकलांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए बूथों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है और जो लोग डाल नहीं सकते वोट उनको वोट डालने के लिए वो घर पे भी वोट डाल सकते हैं, वो जो ऐप बना है उसके माध्यम से वो अगर सूचना देंगे। वहीं विकलांग एसोसिएशन के कार्यकर्ता मतदाता जागरूकता रैली के दौरान हाथों में तख्ती लिए हुए थे जिसमें लिखा था हम दिव्यांग होकर मतदान कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, जागो मतदाता जागो, 100% मतदान करो, आइए चले मतदान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें, आपका एक वोट अच्छी सरकार बना सकता है, चलो भैया चलो बहना वोट डालने वोट डालने, आदि स्लोगनों के साथ दिव्यांगजनों ने शहरवासियों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.